हरि ओम तत्सत ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब ये हवन संपन्न हुआ, अब आप सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर भगवान को प्रणाम करें। तलाक का नोटिस भेजे। हमारे काकुल की जिंदगी का सत्यानाश कर दिया जानवर लोग। हाथ जोड़कर विनती करता है आपसे, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए, चले जाइए यहां से। बाबू साहब भी यही चाहते हैं। नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन, कोई बहस, कोई सफाई नहीं सुनना है हमें। अब आप अपना सामान उठाएंगे और चले जाएंगे यहां से। हाथ जोड़कर मैं भी तुमसे यही कहूंगा सुजीत बाबू, कि जब तक हम ओम शंकर जी से मिलकर उन्हें अपना पक्ष नहीं बता देते, हम यहां से नहीं जाएं। मोहन, आखिरी बार इनका सामान इज्जत के साथ इनकी गाड़ी में रखता हूं। सुनने में दिक्कत है क्या? अभी तो कहा मैंने कि बिना ओम शंकर जी को मिले हम यहां से नहीं जाएंगे। तुम अगर हमें रोक सकते हो तो रोक कर दिखा। शंकर जी, हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। ओम शंकर जी, मैं या मेरा परिवार काकुल के सम्मान के रिश्ते को सहमति दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि काकुल से मिलने से बहुत पहले सम्मान की एंगेजमेंट मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी वंशिका के साथ हो चुकी थी। ये शादी जबरदस्ती बंदूक की नोक पर की गई। आपके दामाद जी ने सम्मान को बस से किडनैप किया और उसे धमकी दी कि अगर वो इस शादी के लिए राजी नहीं होगा तो ये हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। और ये सब करने के लिए मैं मजबूर किसने किया? सारा स्टोरी शुरू से सुनाना पड़ेगा क्या आपको? बोलिए। ओम शंकर जी, सम्मान को ये शादी दबाव में आकर करनी पड़ी है, जिसका परिणाम सबके लिए बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी, जिसकी एंगेजमेंट वंशिका के कजन से हो चुकी थी, सबसे बड़ी सजा उसे मिली है। उसकी मंगनी टूट गई। सक्सेना ने मेरे साथ प्रोफेशनल और पर्सनल ताल्लुकात तो तोड़े ही, बल्कि यह कसम खाई कि वो मुझे बर्बाद करके रखे। मेरा बिजनेस, पैसा, सब कुछ इस शादी की वजह से तबाह हो गया। मुझ पर क्या गुजरी है ओम शंकर जी, मुझ पर क्या गुजरी है ये मैं ही जानता हूं। बाबा प्लीज बेटा, तुम बीच में मत बोलो, मुझे इनसे बात कर लेने दो। आपको लगता है कि आपकी बेटी का मंगनी टूटा हमारी वजह से है? हमारी वजह से आपके व्यापार में नुकसान हो गया, हमारी वजह से आपकी जिंदगी का शांति भंग हो गया, यही ना? इसलिए काकुल को घर से निकाल दिया। आपका बेटा दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मनाता रहा, लेकिन आप टोके तक नहीं कहे। बदला लेना चाहते थे हमसे। जितना घटिया और गिरा हुआ आप हमें समझते हैं ना मिस्टर सुजीत, उतने हम हैं नहीं। ओम शंकर जी, आपसे या काकुल से बदला लेने का ख्याल भी कभी हमारे दिमाग में नहीं है। काकुल का सारा जिंदगी ब्लंडर कर दिया आप, ये बदला नहीं था। वो उम्मीद से थी, आपने उसे घर से बाहर फेंकवा दिया, ये बदला नहीं था। बाबू साहब गीत गाते फिरे, सम्मान बाबू हमारे छोटे दामाद, छोटे दामाद। अपने समधी जी की सराफत और सादगी के ढोल पीटते रहे। वो पैसा दिया आपको बिजनेस के लिए और ये बदला चुकाया है आपने। आपके आपके पैसे की ना तो मुझे कोई लालच है ओम शंकर जी, ना ही मैंने उसे आज तक हाथ लगाया। मैं लाया हूं आपको लौटाने के लिए। अरे आप इनसे काहे बात? अंदर जाइए।
पैसे दिए हैं उसका जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। ये बात मेरी और आपके बीच की है, आपने वादा किया है। ये अच्छा है, आप लोग अपना वादा पूरा नहीं कर सके और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपना वादा निभाएं। ये रहे आपके पैसे। माफी चाहता हूं ओम शंकर जी, इस तरह की घटिया बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। खुशकिस्मत है आपकी, इस वक्त आप हमारे घर पर खड़े, वरना अनर्थ हो जाता। जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यकीन होगा कि यहां आने से पहले हमें नहीं मालूम था कि सम्मान ने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं यहां। जी, हमें यकीन है। बदकिस्मती है सम्मान की, दिलासा नहीं दे रहा हूं मैं, दिल से कह रहा हूं तुम्हें, मुझे नहीं लगता सम्मान को तुमसे बेहतर जीवन साथी मिल सकता है कभी। आज नहीं तो कल उसे अपने गलती का एहसास होगा। नाराजगी में डिवोर्स पेपर्स पर साइन मत कर देना। भगवान पर भरोसा है मुझे, भले लोगों के साथ वो नाइंसाफी कभी नहीं करता। और सम्मान मेरा छोटा भाई भले ही हो, अन्याय रिश्तों का साथ निभाने की वजह नहीं बन सकता। लड़ना चाहो अगर तो अपने आप को अकेला नहीं पाओगे तुम। हिम्मत मत हारना। ख्याल रखिएगा काकुल का। जी। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता पापा, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा परेशान होने से कुछ होगा नहीं। आप अपनी सेहत मत खराब कीजिए। सुजीत ने जो मेरी इज्जत उछाली है उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूं। वो कल का छोकरा, तुम क्या चाहते हो कि एक पल में सब कुछ भूल जाओ और वो सो कॉल्ड बाऊ साहब सबको चुपचाप बैठे सुनते रहे? इसका मतलब जो सुजीत ने कहा उसे सहमत थे वो? अपनी बेइज्जती कराने तो मैं यहां नहीं आया। हेलो समान, सब ठीक तो है ना? हाँ सब सब ठीक है। कब तक पहुंच रहे हो तुम? एयरपोर्ट के लिए निकले हैं अभी। किसका फोन है? वंशिका का? काटो इसे। अब सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर अब आपको क्या इतराज़ है वंशिका से बात करने में? दिखाओ जरा। अरे पापा, ड्राइवर गाड़ी रोको। तुम भी उतरो गाड़ी से, चलो गेट आउट। पापा, वंशिका मेरे जीवन की सच्चाई है, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। कोई बहस नहीं सुननी है मुझे सम्मान, ना तो अब हमारी मंजिल एक है ना ही रास्ते, बहुत सह लिया मैंने, गेट आउट। पापा, आई से गेट आउट। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है जो किया है उसने सही नहीं है, लेकिन इस तरह से फोन फेंक देना और ये तो फिर उन लोगों में और हमें फर्क क्या है? ज़्यादती कर रहे हैं आप? मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। वहाँ सम्मान की वजह से जो हमें झेलना पड़ा है उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। बेइज्जती करा के रख दी हमारी, उसकी वजह से हमारा परिवार, हमारा घर तबाह होने से बच गया है और तुम कह रहे हो कि मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। Anyway, तुम होते कौन और बीच में बोलने वाले? तुम क्या समझते हो कि मुझे बोलने की तमीज नहीं? या हमारी फैमिली में बस तुम ही एक समझदार बच गए?
देखिए बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है हा? और क्यों काकुल से मिलने क्यों गए थे तुम? जो हालात हैं उनको ऐसे के ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, मैंने सुलझाने की कोई तो कोशिश करनी पड़ेगी। हर चीज शीशे की तरह साफ है, कम से कम मेरे लिए। Well, अगर तुम उससे सहमत नहीं हो तो यू कैन वॉक आउट, प्लीज जाइए ना, आप भी जाइए भाई के साथ। चले भैया। डिवोर्स पेपर मिल गए होंगे उन्हें और शायद उसी को लेकर वहां हंगामा मचा होगा। सम्मान वापस लौट आए तो पता चले कि उनका रिएक्शन क्या था। आई होप सम्मान यहां सेफली पहुंच जाए, वो लोग बहुत खतरनाक है, कहीं उन्होंने सम्मान के साथ कुछ नहीं। बेटा सम्मान को कुछ नहीं होगा। देखो वंशिका, सम्मान वहां अकेला नहीं है, अमरनाथ और ऋषभ भी है वहां। एंड डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि वो सम्मान को कोई नुकसान पहुंचने देंगे। I really hope so, पापा। I'm keeping my fingers crossed। वंशिका, तुमने आज तक बहुत सहा है, पर अब दिल कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट कर आएगी। बेटा सब कुछ ठीक हो रहा है, और इनफैक्ट इस वक्त डिवोर्स पेपर वहां भेजना ये डिसीजन भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये डिवोर्स फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी हो जाए। एक बार वो काकुल सम्मान की जिंदगी से ऑफिशियली आउट हो जाए, उसके बाद तुम्हारी और सम्मान की शादी का अनाउंसमेंट होगा। कैसे करना चाहोगी शादी? पापा आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन बचपन से ही मेरा ट्रेडिशनल शादी का सपना रहा है। टिपिकल शहनाई, बैंड वाले और हवन में जलती हुई अग्नि। मोबाइल पर निकाल दिया, ये भी चलेगा नहीं। भैया फोन देना अपना जरा। क्या तुम चाहते क्या हो सम्मान? क्या हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें कुछ बात समझ में नहीं आती? इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है तुम्हारे आसपास, चारों तरफ इतनी बातें बढ़ चुकी है, अब भी तुम्हारे दिमाग से वंशिका का भूत नहीं उतर रहा? तुम्हें अभी वंशिका से बात करने की सोच रही है? क्या करूं मैं? हेलो, कहां हो? कहां क्या हूं मैं?
पटना की सड़कों में भटक रहा हूँ, यहाँ वीराने में घूम रहे हैं हम लोग। तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पे, अच्छी खासी चांदनी रात है, ठंडी हवा चल रही है, तुम होती साथ पैदल चलती जरा सेहत तुम्हारी भी अच्छी हो जाती। Why are you so irritated? अच्छा ये बताओ काकुल के यहाँ सब कैसा रहा? कार आ रही है, पीछे हटे ना। मुझे अभी तुमसे बात करने का मूड नहीं है, प्लीज मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। भैया नाराज हो आप मुझसे? क्या तुम क्या उम्मीद करते हो, क्या उम्मीद करते हो तुम? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे भी पापा ने सड़क से उतार दिया, वीराने में भटक रहे हम लोग, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना चलना पड़ेगा, कब तक चलना पड़ेगा। और पापा यहाँ शांति से बात करके मामले को सुलझाने आए थे, जिस दिन हम लोग उनके घर हवन पे आए हुए हैं उसी दिन तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेजने थे। तो क्या करूं, माफी मांग लूं काकुल के घर वालों से जाकर? मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, हम में से किसी को नहीं पता। तुम्हें हम लोगों ने समझा के देख लिया है, मुझे नहीं लगता तुम बात को समझना चाह रहे हो। तुम्हें जो मन में आता करो, जो कन्वीनियंट करो, जो अच्छा लगता है करो। भैया ऐसा नहीं है भैया, जानबूझकर मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी कदम उठाता हूँ सब गलत पड़ते जाते हैं, अब इस बात का यकीन तो है ना आपको? सम्मान चुप। ओके पिताजी ने डिवोर्स पेपर्स हवन कुंड में जला दिए। पता है काकुल, जब हम छोटे थे ना तब मैं पिताजी से हमेशा ये सवाल पूछती थी कि पिताजी मर्द लोग कभी रोते नहीं है क्या? तब पिताजी ने हंसकर जवाब दिया कि वो मर्द ही नहीं जिसके आंख में आंसू आए। बस उसी वक्त से ये बात दिल में कुछ बैठ सी गई थी कि ईश्वर ने मर्दों को दो आंखें दी है लेकिन आंसू नहीं। लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया है काकुल, आज पहली बार मैंने पिताजी की आंखों में आंसू देखे काकुल, पहली बार उन्हें रोते हुए देखा है। आप सबको बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। हमें लगता था सम्मान से हमारा मिलना हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन आज हमने जाना कि वो खूबसूरत पल नहीं था, वो तो हमारे जीवन की सबसे मनहूस घड़ी थी। हमें लगता था कि इंसान सिर्फ इंसान को पहचानने में ही भूल कर सकता, लेकिन आज हमने जाना इंसान सिर्फ इंसान को ही नहीं वक्त को पहचानने में भी भूल कर सकता। खुद से बहुत नाराज है दीदिया, क्यों हम सब मन से मिले, क्यों उनसे प्यार किया? अगर तब दो आंसू मांगकर हम चुप हो जाते तो आज सारे घर वालों की आंखों में आंसू नहीं होते, हमसे बहुत भूल हो गई दीदिया, हमसे बहुत भूल हो गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तू अपना दिल छोटा मत कर, खेल तेरे साथ सम्मान ने खेला, अगर कोई रोएगा ना तो वो रोएगा। और तुझे याद है सम्मान के भाई ऋषभ ने क्या कहा था? कि ये सम्मान की बदकिस्मती है जो उसने तुझे खो दी, तुझे दुख पहुंचाकर ना ही सम्मान खुश रह पाएगा, ना ही तेरी सास और ना ही तेरी ननद। जो आंसू आज तेरी आंखों में है ना काकू, कल वो तेरे ससुराल वालों की आंखों में होगी, समझी? तू अपना दिल छोटा मत कर। समुद्र में जितना गहरा जाने की मेहनत करोगे उतना ही बड़ा मोती मिलेगा। अरे ये भी तो हमसे मेहनत ही करवा रहा है।
means a very handsome boy. Pulika, इसमें तो gift है. कहीं इसीलिए तो network का बहाना नहीं कर रहे. हे भगवान, अगर काकुल फिर से इस घर में आ गई ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. मेरा घर